आज का जो अपना टॉपिक है वह टॉपिक है कि अपने मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को अपने देखा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस से मैंने क्या है एग्जाम्पल में क्या रखे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोसेस को अगर अपने देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है कि ये प्रोसेस होगी वो किस टाइप की होगी हमारे पास इस प्रोसेस की अगर बात करें तो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में आती है। ठीक है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हमारे पास जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है अपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर में ये प्रोसेस करवाई जाती है कि जहाँ पर इस प्रोसेस को करवाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है या उसको नाम क्या दिया जाता है अपने पास वोल्टामीटर को नाम दिया जाता है जहाँ पर इस प्रोसेस को अपने कंप्लीट करवाया जाता है। तो इस वोल्टामीटर या अगर अपने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर अपने क्या किया है कि दो मेटल की रोड अपने यहाँ पर यूज में ली गई है। तो इस मेटल की रोड को अपने क्या नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड नाम दिया जाता है। दो ही मेटल की रोड है इन मेटल रोड को अपने क्या नाम दिया गया है इलेक्ट्रोड नाम दिया गया है। इसमें से बैटरी को उसके साथ अटैच किया गया और बैटरी के जो पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच है उसको अपने नाम दे रहे हैं एनोड और जो बैटरी के नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच है उसको अपने नाम दिया गया है कैथोड। ठीक है तो बैटरी के साथ ही इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिया गया और यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर अपने क्या किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इसके अंदर फिल किया गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस कोई आयनिक कंपाउंड है और उस आयनिक कंपाउंड को अपने क्या कर दिया किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर उसको मिक्स करके और पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स करके उसको उसमें क्या कर दिया गया मिक्स इसमें डिजॉल्व करके इसके अंदर फिल कर दिया गया। तो मींस यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होगी इसी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी प्रोसेस है उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे कि जब उस इलेक्ट्रोलाइट का जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए बी एक आयनिक कंपाउंड है तो जो आयनाइज किसमें होगा वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन में वो क्या हो जाएगा आयनाइज हो जाएगा जब उसको अपने वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाएगा। तो ये जो हमारे पास कैटायन और किसकी फॉर्मेशन हो रही है एनायन की फॉर्मेशन हो रही है। ये कैटायन और एनायन जो होंगे वो क्या होंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अब अपोजिट इलेक्ट्रोड से मीनिंग क्या है हमारे पास कि एनोड पर यहाँ पर चार्ज कौन सा है पॉजिटिव और कैथोड पर चार्ज कौन सा है नेगेटिव। तो कैथोड की तरफ कौन सा आयन है यहाँ पर मूवमेंट अपने शो किया गया है तो कैथोड की तरफ हमारे पास जो कैटायनिक आयन है उसके मूवमेंट को अपने शो किया गया है। और इसी तरह से एनोड की तरफ अपने यहाँ पर देखा गया कि जो एनायनिक आयन्स है उस एनायनिक आयन की यहाँ पर मूवमेंट को अपने शो किया गया है। तो कैथोड पर हमारे पास कैटायन मूव करेंगे और एनोड की तरफ हमारे पास एनायन मूव करेंगे। तो इस मूवमेंट से ये प्रोसेस चलती रहेगी जहाँ पर अपने क्या करेंगे कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पर क्या कर रहे हैं केमिकल एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोला नाम दिया जाता है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी प्रोसेस को अपने इस मैकेनिज्म के थ्रू देखा जाता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया NaCl की मोल्टन स्टेट ली गई। इस NaCl की मोल्टन स्टेट को आपने क्या किया जब इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिया जाता है तो ये क्या हो जाता है जैसे इसके अंदर अपने इसको डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आयनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये क्या हो जाता है आयनाइज हो जाता है। तो अपने कहेंगे ये जो आयन है वो अपोजिट चार्ज की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। तो अपोजिट चार्ज से जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एनोड की तरफ देखें तो एनोड पर अपने यहाँ पर चार्ज कौन सा बताया क्या पॉजिटिव चार्ज अपने बताया तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन मूव करेगा क्लोराइड आयन। तो ये जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन एनोड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर अपने शो ही कर रखा है कि जो हमारे पास एनायन है एनायन का जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो रहा है एनोड की तरफ हो रहा है। तो वहाँ पर ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रोड को लूज कर देगा और मीन्स इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो अपने कह रहे हैं कि यहाँ पर एनोड पर हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन एटम बने हैं ये क्लोरीन एटम आपस में अटैच होकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी तरह से अगर अपने कैथोड पर अगर बात की जाए तो कैथोड पर अपने यहाँ पर जो चार्ज बताया है वो चार्ज कौन सा होता है
नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर क्या होगा कि जो अपोजिट चार्ज इसमें एनायन कौन सा है, कैटायनिक आयन, तो कैटायनिक आयन इस कैथोड की तरफ मूव करेगा और वो एनोड पर लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि एनोड पर जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन की है, और कैथोड पर जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस है। इस कंप्लीट सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि इस सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसके अंदर अपने पास क्या कर रहे हैं कि एनोड के ऊपर अपने पास ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, जिसके अंदर अपने पास कह रहे हैं कि जो एनोड है उस एनोड पर हमारे पास क्लोरीन गैस परफॉर्म होगी और कैथोड के ऊपर अपने पास यहाँ पर सोडियम अपने को मेटल है वो मिल जाएगा। तो सोडियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा सोडियम के अंदर कहाँ पर, कैथोड के अंदर, और क्लोरीन आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, क्लोरीन आइटम में, और हमको क्या देगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा कहाँ पर, एनोड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस पर्टिकुलर यहाँ पर जैसे अपने एग्जाम्पल रखें जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड यहाँ पर जब सोडियम क्लोराइड का जो यूज में लिया गया एज ए इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड किसका यूज में ले लिया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज में ले लिया। तो प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है वो नोबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दूसरे होते हैं नोबल रिएक्टिव। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम एक नोबल इलेक्ट्रोड है, अनरिएक्टिव टाइप का इलेक्ट्रोड है, तो इसको अपने यहाँ पर क्या किया गया, यूज में लिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो अपोजिट आयन है वो अपने जैसे यहाँ पर बात करेंगे एनोड पर अपने क्लोरीन गैस मिल रही है, कैथोड पर अपने सोडियम जो मेटल मिल रहा है, तो कितना हमको सोडियम मेटल मिलेगा कहाँ पर, कैथोड पर, और कितनी क्लोरीन गैस एनोड पर बनेगी, इस चीज़ का पता कैसे लगाए, क्या उसका कोई रिलेशन बनता है इसके ऊपर जो चार्ज दिया जा रहा है उसके चार्ज के साथ इसका कोई रिलेशन है, या अपने पास यहाँ पर सेम चार्ज देकर इसमें सोडियम क्लोराइड की जगह अगर अपने HCl को यूज़ में लिया जाए या कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अगर यूज़ में लिया जाए सेम चार्ज के ऊपर, तो क्या हमेशा सेम जो यहाँ पर जो सेम अमाउंट में जो अपने को कैथोड और एनोड पर जो सब्सटेंस है वो मिलेंगे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को फेराडे ने रूल दिया, जिसको अपने फेराडे के इलेक्ट्रोलाइटिक जो रूल कहा जाता है, तो उसको अपने एक्सप्लेन करते हैं कि फेराडे के जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रूल है उसको अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अपने को फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए फेराडे ने कुछ लॉ दिया जिसके अंदर इसके दो लॉ थे, जिसमें से अपने कहते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए अपने जैसे सिंपल से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अपने को कंटेनर है, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और इसको अपने अटैच कर रखा है, यहाँ पर बैटरी से इसको अटैच कर रखा है, और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है। तो कहता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब इसको फिल किया गया है, तो अपने कहा अपोजिट जो चार्ज के इलेक्ट्रोड है वहाँ पर अपोजिट आयन क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो मैंने कहा कि आप सपोज कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना है, हमारे पास डब्ल्यू ग्राम सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ से जो चार्ज दिया जा रहा है वो चार्ज क्या दिया जा रहा है, क्यों इसको चार्ज दिया जा रहा है, क्यों कूलाम इसको चार्ज अपने दे रहे हैं, कि क्यों कूलाम अपने सिंपल सी बात लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब अपने इसको इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर अपने पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ पर क्यों कूलाम जब चार्ज दिया गया तो अपने पास W ग्राम सब्सटेंस यहाँ पर क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब जो डिपॉजिट होने वाला जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसके अंदर जो दिया गया जो चार्ज है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अपने यहाँ पर साइन को रिमूव किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास जेड। तो अपने पास यहाँ पर जो कूलम्स का जो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल जेड क्यू। जेड यहाँ पर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, तो जेड यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर जेड को एक्सप्लेन करें तो जेड हमारे पास है यहाँ पर इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर इसको आपने क्या किया यहाँ से क्यू कूलाम इसको चार्ज दिया गया, तो क्यू कूलाम चार्ज देने पर यहाँ पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो कितना है, डब्ल्यू ग्राम है, तो अपने कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू है वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यू ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो ये हमारे पास फेराडे का क्या आ जाता है, फर्स्ट लॉ आ जाता है इसको अपने पास। अब अपने को पता है
कि इसको रूप होकर कहें तो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और डिप्यूटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हमने कहे कि अगर जो Q है, आपने बेसिकली बताया कि Q किसके इक्वल होता है, Q जो कूलम्ब है वो किसके इक्वल होता है, Q अपने कहते हैं Q होता है हमेशा I into T। I क्या है हमारे पास जो करंट है और T क्या है टाइम है, तो I को अगर अपने एम्पियर में और टाइम को अपने क्या कर दिया जाए पर सेकंड अगर कर दिया जाए, अगर अपने कहें कि जो I है, I हमारे पास क्या हो 1 एम्पियर हो और जो टाइम है वो क्या हो जाए 1 सेकंड हो जाए, तो ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में अगर अपने पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा W इक्वल क्या हो जाएगा, पहले तो Z की वैल्यू Q की वैल्यू पुट करें तो Q क्या हो जाएगा I इंटू T और I और T की वैल्यू पुट करें तो Z 1 इंटू 1। तो इस कंडीशन में अपने कह सकते हैं W किसके इक्वल हो जाएगा, Z के क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, W की जो वैल्यू है वो हमेशा किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पर इस कंडीशन में अपने पास Z के इक्वल आ जाएगी। ये जो कंडीशन है वो कब बन रही है अपने पास कंडीशन, जब अपने कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो अगर जो I है उसको 1 एम्पियर कर दिया जाए और टाइम को क्या कर दिया जाए 1 सेकंड कर दिया जाए, तो अपने कहेंगे दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट for 1 second on passing quantity of electricity equal to 1 coulomb। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो डिपॉजिट होने वाला जो सब्सटेंस है जेड की जो वैल्यू है वो जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, कब, जब अपने आई को क्या कर दिया जाए 1 एम्पियर कर दिया जाए और टाइम को क्या कर दिया जाए 1 सेकंड कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में जो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है हमारे पास, या आपने कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की अमाउंट के क्या हो जाता है इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा फैराडे का फर्स्ट लॉ आ गया। अब इसके बाद में हमारे पास आता है फैराडे का सेकंड लॉ आ जाता है, सेकंड लॉ को अगर कंसीडर किया जाए तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इस रूप को अगर देखें तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो फैराडे के फर्स्ट लॉ में अपने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक या सिंगल वोल्टामीटर अपने लिया गया था, यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप अपने लिए गए हैं, फर्स्ट में अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया और सेकंड में अपने सिल्वर नाइट्राइड सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है, सेम अमाउंट ली गई है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के जो अमाउंट है वो क्या ली गई है सेम ली गई है, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, और दोनों को एक सेम चार्ज इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, सेम चार्ज इसको फ्लो किया जा रहा है, ठीक है, क्यू अपने यहाँ पर चार्ज फ्लो करेंगे, क्यू कूलम्ब सेम चार्ज इसको फ्लो करेंगे और दोनों को एक सीरीज में अटैच किया गया है। तो अपने कहा दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सेम चार्ज क्यू कूलम्ब चार्ज इसको दिया जा रहा है। तो अब कहते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो अमाउंट है, पहले अगर सिंगल अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जब दिया गया था तब आपने कहा था कि जो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के जो अमाउंट है इसके अंदर जो दिया जाने वाला जो चार्ज है उस चार्ज के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थी, लेकिन हमने क्या कहा अब डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लिया गया, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स पर जो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो डिपॉजिट होने वाला जब इनको सीरीज में अटैच कर दिया जाता है तो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के जो अमाउंट जो अपने W ले रहे थे वो इन सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगी, जिस क्या होगा कि उस सब्सटेंस के क्या होगी केमिकल इक्विवेलेंट के क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, अब वो क्यू के इक्वल नहीं रहेगी अब वो ई के इक्वल आ जाएगी, केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगी। तो अपने कह सकते हैं सपोज W1 एंड W2 आर द मासेस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, देन W अगर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो W1 किसके इक्वल आ जाएगा Z1 क्यू और W2 किसके इक्वल आ जाएगा Z2 क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं W1 डिवाइड बाय W2 इक्वल Z1 अपॉन Z2। यहाँ पर अपने पता है जो Z की जो वैल्यू है वो होती है E डिवाइड बाय 96500, तो अपने यहाँ पर Z के जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, इसको कट कर देंगे तो अपने पास ये भी लिखा जा सकता है कि W1 डिवाइड बाय W2 इक्वल E1 अपॉन E2। E यहाँ पर क्या है केमिकल इक्विवेलेंट, जो अपने फैराडे का सेकंड लॉ है जिस लॉ के अकॉर्डिंग अपने कह रहे हैं कि अगर सेम चार्ज अगर दो या दो से ज़्यादा एक इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर एक सीरीज में अटैच किया जाए और उसको सेम चार्ज दिया जाए तो इलेक्ट्रोड्स पर जो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के जो अमाउंट है उन सब्सटेंस के
केमिकल इक्विवेलेंट के क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारे पास फैराडे का क्या आ गया, सेकंड लॉ आ गया, जिसके अंदर अपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया। तो अपने यहाँ कह सकते हैं कि जो अपने लिया गया इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन क्या है हमारे पास मास ऑफ कॉपर, डब्ल्यू टू क्या है मास ऑफ सिल्वर, इस तरह से ई वन क्या है केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, और ई टू क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल अगर दिया जाए तो उसको अपने यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि इस इक्विवेलेंट मास को यूज में नहीं ले रहे हैं। जब से अपने पास मोल कंसेप्ट आ गया, तो मोल कंसेप्ट आने के बाद में अपने इक्विवेलेंट मास मतलब ई को यूज में लेना क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके जो अपने क्या यूज में लिया जाता है, मोल कंसेप्ट को यूज में लिया जाता है। तो नई ये तो फैराडे के अकॉर्डिंग था, लेकिन आज अपने नए जब बात कर रहे हैं तो अपने इक्विवेलेंट मास का तो कहीं यूज में ही नहीं ले रहे हैं इक्विवेलेंट मास को। तो जब इक्विवेलेंट मास को यूज में नहीं लिया जा रहा है, तो उसको अपने किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल कंसेप्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मोल कंसेप्ट में कन्वर्ट करके इसको देखा जाए कि ये जो अपने पास जो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करता है। तो अपने यहाँ पर जो मॉडर्न कंसेप्ट है, उस मॉडर्न कंसेप्ट में अपने ये कहा गया है कि इक्विवेलेंट मास को अपने यूज में नहीं लेते हैं। तो जब इक्विवेलेंट मास को यूज में नहीं लिया जाता मॉडर्न कंसेप्ट में, तो उसके जो अपने किसको यूज में लेते हैं, मोल कंसेप्ट को यूज में लेते हैं। तो मोल कंसेप्ट को जब यूज में लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कहेंगे द मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब इस पूरी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो रहा है, उतना ही सब्सटेंस क्या होगा, उतने ही मोल सब्सटेंस क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। एक सिंपल सा आपने कहा कि जैसे मेरे पास यहाँ पर सिल्वर आयन है, इस सिल्वर आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाने के लिए कैटायन है, तो कैटायन किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए इसमें कन्वर्ट करने के लिए, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सिल्वर आयन को सिल्वर मेटल में डिपॉजिट करने के लिए अपने कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो सिल्वर आयन का जो नंबर है वो कितना है, वन मोल है, क्योंकि बेसिकली अपने मोल कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो वन मोल है। तो इतने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इसको कितने चाहिए, वन मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना, वन मोल सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए आपको वन मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो अपने कहें कि जो एक अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज देखा जाए, तो अपने कहें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो अपने पास चार्ज कितना होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर अपने चार्ज को एक्सप्लेन किया जाए, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के अगर चार्ज की अगर मैं बात करें, तो वो हमारे पास होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है। तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ये तो अपने पास वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर अपने काउंट करें, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम इंटू 6.022 × 10⁻²³ आपके पास आ जाएगा। तो इसको अगर अपने बात करें कि ये हमारे पास वन जो मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर अपने चार्ज आ जाता है, तो इसको अगर अपने कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, लम सम इस वैल्यू को देख सकते हैं 96487, ये जो वैल्यू आ जाएगी 96487 गुणा मोल आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वन मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज देखें तो क्या हो जाता है, कूलम पर मोल आ जाता है। तो ये जो वैल्यू है इसको अपने लमसम किसके वैल्यू इक्वल मान सकते हैं, कि जो 96487 है इसको अपने लमसम मान लिया 96500 के इक्वल मान लिया, और इस 96500 को अपने क्या बोला जाता है, वन फैराडे कहा जाता है। तो ये जो 96500 वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास, वन फैराडे होती है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर सिंपल सी बात आ गई, अपने कह सकते हैं कि जो 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करवाने के लिए। अगर सिंपल से लैंग्वेज में यहां पर अपने कहा जाए 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करवाने के लिए, नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और अगर अपने देखा जाए इसी तरीके से, अगर अपने और देखा जाए यहां पर, जैसे मैंने लिया यहाँ पर Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन Ca, तो अपने यहाँ इस नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात करें कि वन मोल कैल्शियम अगर आपको डिपॉजिट करवाना है तो कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो अपने कह सकते हैं 2 फैराडे चार्ज की आपको जरूरत
पड़ेगी। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि वन मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाना है, तो वन मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए यहाँ पर आपको कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, आप कह सकते हैं 3 फेराडे चार्ज की आपको जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, जिससे 3 फेराडे चार्ज जब आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को दिया जाएगा तो आपके पास 1 मोल एल्यूमिनियम कैथोड पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को अपने क्या इस तरह से अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस फिर इसको अपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन दे रहा है वो है कि हाउ मेनी कूलम्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास कितनी कि Al+3 को एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, अपने को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, जब जिससे क्या होता है कि एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम एटम में क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो अगर अपने इसको 1 kg अगर 1 मोल लिया जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन की जगह कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 मोल आ जाएगा, और यहाँ 1 एल्यूमिनियम की जगह कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो हमारे पास जो चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम होता है, तो 3 मोल पर कितना हो जाएगा अपने पास 3 फेराडे, और 3 फेराडे का मीनिंग ये हो जाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो मास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है, 27 ग्राम पर मोल होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ रही है अपने को, 3 × 96500 चार्ज की आपको जरूरत पड़ रही है। लेकिन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट दी गई है, 40.5 ग्राम दिया गया है, तो 40.5 ग्राम को सॉल्व करने के अपने तो यहाँ पर अपने को इतना चार्ज आ जाएगा। तो अपने सिंपल से लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए अपने को 3 फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहें, ई की वैल्यू को अगर अपने फाइंड करना चाहें, तो अपने पास जो ई है वो क्या होता है, द मास ऑफ मेटल डिपॉजिट बाय 1 फेराडे, तो अपने पास ई इक्वल आ जाए एम डिवाइड बाय एन, कैपिटल एम डिवाइड बाय एन। यहाँ पर जो अपने पास कैपिटल एम है वो कैपिटल एम क्या है, मोलर मास ऑफ द मेटल। यहाँ पर कैपिटल एम क्या चीज है हमारे पास, मोलर मास ऑफ द मेटल, और जो एन है वो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल मेटल। एन क्या चीज है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल मेटल। तो अपने कह सकते हैं द मास ऑफ मेटल डिपॉजिट बाय 1 कूलम इक्वल आ जाएगा एम डिवाइड बाय एन इनटू 96500, और अपने पता है कि जो जेड है वो हो जाएगा एम डिवाइड बाय 96500, और जो जेड है आपने कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू होता है जेड इनटू आईटी। हमारे पास जेड की जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू को इस फॉर्मूले जो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले में अगर अपने जेड की वैल्यू को अगर पुट कर दिया जाए तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले में हमारे पास जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू हमारे पास है जो डिपॉजिट मास ऑफ सब्सटेंस है, और आई हमारे पास करंट है, टी टाइम है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्या किया जा सकता है कि जो रिक्वायर्ड जो मास है उसकी अपनी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आ रहा है वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कंडक्टेंस जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपने सी से, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर देंगे के, जिसको बोला जाता है अपने कापा, तो इससे अपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो इनकी वैल्यू को अगर अपने देखते हैं कि किस तरह से इनकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर, के जिसको अपने क्या बोलते हैं, कापा नाम इसको दिया जाता है, तो इससे अपने इसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली अपने देखें कि जो आर है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू को अगर देखा जाए तो अपने को रेजिस्टेंस अपने का जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या जाते हैं अपने पास, आई इक्वल क्या आता है, वी अपॉन क्या आता है, आर। यहाँ पर इस फॉर्मूले से अपने यहाँ आर की वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो अपने कहते हैं करंट गोइंग टू ए कंडक्टर, आई इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज वी,
एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ठीक है, तो जो सी जो हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस क्या होती है, जो हमारे पास रिवर्सिबल वैल्यू होती है किसकी, आर की। तो अपने कह सकते हैं जो सी है वो सी हमेशा होता है वन अपॉन आर होता है, सी इक्वल क्या होता है वन अपॉन आर होता है। ठीक है, जो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आर की जो यूनिट है वो यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आर की हमारे पास यूनिट है ओम, तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर जो सी की जो यूनिट हो जाएगी, आर की यूनिट हमारे पास क्या होती है ओम यूनिट है, तो सी की यूनिट क्या हो जाएगी ओम। इनवर्स से फॉर्म क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है या इसको क्या बोला जा सकता है, महो कहा जा सकता है, तो ये C की यूनिट होगी। अब इसी तरह से इसकी अगर SI यूनिट अगर देखी जाए, कंडक्टेंस की अगर SI यूनिट की बात करें, तो SI यूनिट ऑफ C तो हमारे पास क्या होती है सीमेंस, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, सीमेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट अगर अपने से पूछी जाए, तो कंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी सीमेंस, सीमेंस से इसको क्या किया जाएगा अपने रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सीमेंस इसकी क्या हो जाती है हमारे पास ऐसा यूनिट हो जाती है, इस ऐसा यूनिट को अपने एस से कैपिटल एस से क्या कह रहे हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या है रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर अपने किसकी वैल्यू निकालना चाहें, कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहें, या इसको अपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जा सकता है, कंडक्टिविटी या इसको क्या नाम दिया जा सकता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी या जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या चीज है हमारे पास, अपने पता है कि जो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है एल के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है ए के। ठीक है, क्योंकि अपने को रेजिस्टेंस के अंदर अपने को पता है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मैटेलिक कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्लोज सेक्शन। तो ये दोनों अपने को यहाँ पर पता है किसी के लिए इलेक्ट्रिक, अपने पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसके लिए, तो अपने इसको लिखा जा सकता है कि जो R है वो अपने पास क्या आ जाएगा L अपॉन क्या आ जाएगा A आ जाएगा, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अगर साइन को अगर यहाँ से हटाया जाए तो अपने पास एक वैल्यू आ जाती है रो, तो रो क्या हो जाएगा L अपॉन A। यहाँ से अगर रो की वैल्यू को अगर फाइंड किया जाए तो रो क्या हो जाएगा आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो रो क्या चीज है हमारे पास, इस रो को क्या बोला जाता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको अपने क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोला जाता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इसी से अपने क्या निकालेंगे अपना जो टॉपिक है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, जो कापा है वो क्या होती है रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ क्या होती है हमारे पास किसके रो के। तो कापा क्या है रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रो, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है उसके क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने क्या निकाला जा सकता है यहाँ पर जो कापा की वैल्यू को क्या किया जा सकता है फाइंड किया जा सकता है। अब हमारे पास जो कापा की जो वैल्यू आ रही है, कापा की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कापा की वैल्यू अगर पुट करें तो सॉरी इसकी रो की वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारे पास कापा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखा जाए तो आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो अपने इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए लिखा जा सकता है। अब वन अपॉन आर है, इस वन अपॉन आर को अपने अपने कहा था सी से रिप्रेजेंट किया था, अपने क्या हो गया कि जो कापा है वो क्या हो गया सी एल इंटू एल डिवाइड बाई ए। ये हमारे पास क्या आ गई कापा की वैल्यू आ गई, कापा को अपने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। एल क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो आपने कोई भी दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है एल है, और इसका जो क्रॉस एरिया है इस क्रॉस एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया गया है ए से रिप्रेजेंट किया गया है, और सी हमारे पास क्या है यहाँ पर कंडक्टेंस है। अब कापा की अगर यूनिट को देखा जाए तो कापा की जो यूनिट है हमारे पास क्या बनेगी सी की, अभी यूनिट लेकर चले थे तो सी की जो यूनिट थी हमारे पास वो क्या थी ओम यूनिवर्स थी। एरिया जो हमारे पास लेंथ है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाए सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसको सी को क्या बोला गया ओम यूनिवर्स
इनटू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने जो कापा की जो यूनिट बन रही है वो क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास किसकी यूनिट बन गई कापा की यूनिट बन गई। अब ओम इनवर्स को क्या बोला जा सकता है एसआई फॉर्म में क्या बोला जा सकता है सीमेंस भी बोला जा सकता है। तो कापा किसके इक्वल आ गया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास जो कापा है उस कापा की एसआई सिस्टम में जो यूनिट बनती है वो कापा की एसआई सिस्टम में जो यूनिट बन रही है वो क्या बन रही है हमारे पास सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स जो कापा की एसआई यूनिट की फॉर्म में अपने इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट को अपने एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है। ये क्या चीज है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो एल और ए का जो रेशियो है इस रेशियो को अपने क्या बोला जाता है सेल कॉन्स्टेंट नाम दिया जाता है। इस सेल कॉन्स्टेंट की अगर यूनिट देखें तो यूनिट हमारे पास क्या बन जाती है सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास इस सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया सेल कॉन्स्टेंट। तो अपने सेल कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है द रेशियो ऑफ दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट ठीक है। तो ये हमारे पास सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट बन जाती है। सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट को हमें इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा हमारा वो बनेगा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन के अपने किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को किस तरह से मेजर किया जाता है मोलर कंडक्टिविटी क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है इन चीज़ों को अपने डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल गए होंगे तो आप इन नोट्स को राइट डाउन कर लीजिए उनको नोट कर लें और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है उसको साथ के साथ अपने डिस्कस करते चलेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको अपने कंप्लीट कर लेंगे और इस जुलाई मंथ में अपने 3 या 4 चैप्टर अपने नए कंप्लीट और कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप साथ के साथ इन वीडियो को देखते जाइए और कंप्लीट करते जाएं क्योंकि अपना जो सिलेबस है अपने देख रहे हैं किस तरह से जो हाफ सिलेबस है वो हाफ सिलेबस इन वीडियो के थ्रू ही अपने पास होने वाला है। तो आप प्लीज़ इनको करते जाएं क्योंकि आपका इसमें बेनिफिट है। आप अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको दोबारा इसको देखें फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट करें तो अपने इनके ऊपर दोबारा डिस्कस फिर करेंगे।